हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे और फिट एंड फाइन होंगे। आप सोच रहे होंगे क्राउडेड प्लेस है, आखिर आवाज इतने सारे आ रहे हैं, आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो थोड़ा कुछ सरप्राइज रखा है आप लोगों के लिए फ्रेंड्स, अभी नहीं बताऊंगी। बट उससे पहले आपको क्या करना है, मेरे चैनल में बने रहना है, ज्यादा मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और बेल बटन को प्रेस कर देना है और मेरे साथ बने रहना है। बहुत फन होने वाला है। तो फन में क्या क्या है जानने के लिए मेरे साथ आपको टिल एंड तक वॉच करना होगा, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट मोमेंट्स में मिलती हूँ बहुत अच्छे अच्छे सीनरियों के साथ। लेट्स गो। देख सकते हो वो जो है ट्रेन का बैकग्राउंड बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया है। और इसी तरफ तुम देख सकते हो इंडियन फ्लैग जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। तो वडोदरा मेरा बहुत ही प्यारा है, आपने देखा ना। तो अभी जो है मैं आपको दिखाऊंगी मेरा कोलकाता, तो वक्त है अभी, उससे मैंने आपको बता दिया सरप्राइज। तो चलिए कोलकाता का वेट करिए और मैं आपको शेयर करूँगी मेरा प्यारा कोलकाता। मैं लौट रही हूँ कोलकाता में, एज अ छुट्टियों में घूमने आई हूँ। चलिए देखते हैं आखिर क्या होता है। फ्रेंड्स, आपने देखा ना, मैं आपको अपना वडोदरा स्टेशन दिखाया। मेरा वडोदरा स्टेशन आपको कैसा पसंद आया प्लीज कमेंट ऑप्शन में मुझे मेंशन करना, बिल्कुल मत भूलना। और मुझे तो बहुत पसंद है, खास करके ये ट्राई कलर का जो फ्लैग है फ्रेंड्स, माइंड ब्लोइंग है। हमारा देश का शान, आई मीन फुल ऑफ लव। तो आप देख सकते हो अभी तो फ्रेंड्स ट्रेन आने में देर है, हम लोग आए हैं अभी स्टेशन में ही आए हैं फिलहाल। अभी हम लोग जाएंगे अंदर की तरफ, बट उससे पहले मैंने सोचा आपको क्यों ना ब्यूटीफुल जो नज़ारे हैं वो आपको शेयर करूं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं अंदर की और ट्रेन का टाइमिंग के लिए, देखते हैं फिलहाल ट्रेन कब तक आती है, या लेट होता है या जल्दी होता है, जो भी होगा आपको शेयर करूंगी। तो बने रही मेरे चैनल। मॉर्निंग तो है बट मेरे लिए आज थोड़ा बैड मॉर्निंग हो चुका है, क्योंकि नाइट बहुत ही बैड तरह से गुजरा, क्योंकि ट्रेन जो है मेरा 8 आवर्स लेट हो गया। 2 बजे का नाइट का ट्रेन था, बट देखिए ना फ्रेंड्स कोलकाता जाना है, मैं सोच रही थी थोड़ा जल्दी जाऊंगी बट लेट हो गई ना। और देखिए ना अभी शायद पहुँचूँगी मैं एटलीस्ट, मुझे लगता है कि 11-12 बजे तक ही मैं पहुँच पाऊँगी कोलकाता में। और फिलहाल तो मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि ट्रेन लेट पर लेट। अभी आपको मैं बोल सकती हूँ अभी जो है मॉर्निंग का 9:20 का टाइम दिया है, सुबह मॉर्निंग में 7 का टाइम दिया, फिर 8 का, देन आफ्टर 9 का, यानी अभी तक अगर मैं मिला हूँ तो टोटल 8 आवर्स हो गए हैं ट्रेन के। इतना लेट, दिमाग टोटली ख़राब हो रहा है। और ज़्यादा मुझे इस बारे में कुछ नहीं बोलना है, तो देखती हूँ आखिरकार कब ट्रेन आता है, बस उसी का ही वेटिंग है। तो जब ट्रेन आता है फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और अभी जो मैंने एक इंसिडेंट देखा, कहते हैं ना रेलवे स्टेशन में बहुत सारे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं, तो मैंने इंसिडेंट ये देखा कि अभी एक लेडी का एक बेबी खो गया था जो कि दूसरे डिपार्टमेंट में पहुंच गया था, और वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। तो उन्होंने आइडिया लगाकर बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने चैन खींचा और ट्रेन को स्टॉप किया और उनके बेबी को वापस मिल गया। तो मेरे को वो देख के अच्छा लगा। फ्रेंड्स कभी भी ऐसा प्रॉब्लम्स होता है उसमें ऑप्शन रहते हैं कि ट्रेन का जो चेन है वो खींच लोगे तो ट्रेन स्टॉप हो जाएगा। तो आप भी कुछ इस तरह कीजिए ताकि अच्छा कुछ सेफली आप महसूस कर सकें, ठीक है फ्रेंड्स? ये कुछ अच्छे अच्छे मोमेंट्स जो थे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ताकि आपके लाइफ में अगर कुछ ऐसा करता है तो आप कर सकते हो। मुझे पता है ऐसे छोटे छोटे बातें आपको भी पता होगा, बट फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा भी होता है हम समझदार होके भी पागल बन जाते हैं कभी बार, ठीक है? तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। फाइनली ट्रेन में बैठ गई हूँ, बहुत ही सुकून सा फील हो रहा है, पता है आपको, मतलब इतना देर वेटिंग करने के बाद, कहते हैं ना, तो अभी सुकून है बढ़िया सा और बैठ गई हूँ। देखिए नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल है, अच्छे अच्छे जो नज़ारे होंगे ज़रूर शेयर करूँगी। मेरे हेयर्स देखिए कैसे उठ रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स मैं आपको आगे आगे हर एक मोमेंट शेयर करूँगी। चल कॉल कर दादा।
सो फ्रेंड्स, ट्रेन में बैठते ही मेरा नजर लस्सी पर चला गया और मन हो गया लस्सी पीने का, तो वही पी रही हूँ। तो मैंने सोचा ये भी आपसे शेयर करूँ, आपको पसंद आया कि नहीं वो बताना मत भूलना। और अभी जो है अच्छे अच्छे सीनेरियो मैं आपको शेयर करूंगी, तो देखते रहिए और बने रहिए। मॉम कितना एंजॉयमेंट कर रही है फ्रेंड्स, मॉम जो है विंडो के पास बैठी है और फुल टू एंजॉय कर रही है। क्या आपको विंडो पसंद है ऐसा बैठना विंडो के साथ, तो प्लीज कमेंट ऑप्शन में शेयर करना, मुझे मत भूलना। और ये देखिए ब्यूटीफुल सा ब्रिज, इसका भी सीनेरियो जस्ट ऑसम, मुझे तो बहुत पसंद है। मैं और यूना बहुत ही फन कर रहे हैं, आप देख सकते हो यहीं पे हम लोग विंड ठंडी ठंडी हवाएं ले रहे हैं और कोलकाता को मिस कर रहे हैं कि कब जाएंगे कब पहुंचेंगे। फिलहाल 3 दिन लगता है जाने में, आई मीन 2 डे एंड 1 हाफ डे। ओके, तो आप भी बने रहिए और सीनेरियो देखते रहिए। सो फ्रेंड्स, फाइनली डिनर का वक्त हो चुका है और हमने ले लिया है यम्मी यम्मी डिनर। तो रियू जो है फटाफट से डिनर शुरू कर दिया उसने, वो बोला दीदी अब तो वेडिंग में बिल्कुल नहीं करूँगा, बहुत ही भूख लगी है। तो वो भी बिंदास मज़े ले रहा है डिनर का। अभी मैं अपना पैकेट ओपन करूँगी और मैं भी खाऊँगी, और उससे पहले तो मुझे आप लोग को शेयर करना ही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यम्मी यम्मी फूडी आप लोग को शेयर कर रही हूँ, आप लोग भी टेस्ट करके बताना कि रेलवे यानी ट्रेन का फूडी आपको कैसा टेस्टी लगा। चलिए फ्रेंड्स, डिनर करके मैं आपको सुबह बात करती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अभी जो है मैं यहाँ पे थोड़ा जो नेचुरल हवा है उसे बहुत प्यार से महसूस कर रही हूँ, बहुत बेस्ट लग रहा है मोमेंट। सोचा ये आपको शेयर नहीं करती ना तो अधूरा लग रहा, राइट, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। चलो मैं आपको शेयर करवा दूँ, देखो ट्रेन क्या काफ़ी स्पीड में चल रहा है, इसमें शायद आप ये नज़ारा देख पा रहे हो कि नहीं, वो मैं समझ नहीं पा रहा था ना, ब्राइटनेस लग रहा है, बट फिर भी आई होप आपको पसंद आएगा। ये जो फीलिंग है ना, बेस्ट फीलिंग फॉर एवर, आई लव इट। आपने मॉर्निंग का नज़ारा तो देखा ना, मैंने आपको शो किया जो डोर था वहाँ से ब्यूटीफुल नज़ारा है, यानी जस्ट ऑसम, मुझे तो बहुत पसंद है। और काफ़ी लोग भी ये फीलिंग ले चुके हैं और काफ़ी जिनको पसंद भी है, इसलिए मैंने और भी शेयर किया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गुफा है जो कि हाफ एंड आवर लगता है ये गुफा क्रॉस होने में, तो वही क्रॉस हो रहे हैं। और अभी हम लोग खाएंगे बाड़ो भाजा, बहुत ही यम्मी है, ज़्यादा बाड़ो भाजा फेवरेट दीवाना एक्टा, तो कमेंट बनता हो फ्रेंड्स, तो कैसा लगा बताना मत भूलिए। फिर हम लोग करेंगे लंच, और लंच के बाद जो भी सीनेरियो होगा, अच्छे अच्छे मोमेंट्स होंगे, सब कुछ आपको शेयर करूंगी, तो बने रहना और मेरा चैनल पे यूं ही मुझे प्यार देना। अभी जो है हम लोग खाएंगे दही और रबड़ी, मुझे रबड़ी पसंद है और यू को मिष्टी दोई, तो वही हम खा रहे हैं और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नज़ारा देखते ही जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, आप देख सकते हो अभी हम लोग पहुंच गए हैं हावड़ा, और जो हमारी जर्नी थी वडोदरा टू हावड़ा की, वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हो ये जो है हावड़ा का स्टेशन है, बहुत ही क्राउड एरिया है यहाँ पर, आप फ्रेंड्स देख सकते हो। और वहाँ सामने आप देख सकते हो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्रेन बनाया गया है विद द आर्टिस्टिक वे, और सामने आप देख सकते हो हावड़ा ब्रिज जो कि नज़ारा बहुत ब्यूटीफुल है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमार कोलकाता चले एलम, आई मीन हावड़ा में। तो देखिए मेरा भाई यहाँ पे कहाँ गया, टुलू ये रहा और मैं ये रही, और मोम पीछे आ रही है, पापा को कॉल कर रही है वो। तो चलो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हावड़ा घूमकर? अनेक गौरव में है फ्रेंड्स, आई मीन बहुत ज़्यादा होटल्स हैं यहाँ पे, देखिए आपको बहुत गर्मी लग रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग जाएंगे घर की ओर, जो है कार आई है हम लोग को लेने, अभी हम लोग जाएंगे घर पे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का मोमेंट आपको मैंने पूरा शेयर किया, आपको कैसा पसंद आया नहीं आया सब कुछ शेयर करना मेरे साथ, और यूं भी मेरे साथ बने रहना। फिर मिलूंगी नेक्स्ट मोमेंट्स में कुछ याद भरे मोमेंट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, आई लव यू ऑल।